आपका अपना चैनल न्यूज TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर आ रही है, बहुचर्चित गायक सिद्धू मूसेवाला की हुई दर्दनाक मौत। सूत्रों के अनुसार उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई जिससे उनकी मौत हो गई। खबर बाजार से, ई श्रम पोर्टल पर 94% श्रमिकों की कमाई लगभग 10,000 रुपए से भी कम, एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जमाते उलेमाए हिंद में मौलाना मदनी के बिगड़े बोल, बोले जिन्हें हम और हमारा धर्म पसंद नहीं है वो ये देश छोड़कर चले जाएं। समान नागरिक संहिता का भी किया विरोध। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल क्लीन के तहत 3 दिन में 6 हाइब्रिड आतंकी ढेर किए, वहीं कठुआ में सुरक्षा बलों ने नाकाम की ड्रोन साजिश। नेपाल से तारा एयरलाइंस के लापता विमान का मलबा नेपाल के ही कोवांग जिले में मिला, इस विमान में 4 भारतीय समेत 22 लोग थे शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 424 विशेष लोगों की सुरक्षा वापस ली, इसमें कुछ राजनेता और कुछ धर्म गुरु भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में जापान और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने 2 जापानी व्यक्तियों का जिक्र किया जो एशियाई देशों में रामायण और महाभारत का मंचन कर रहे हैं। मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने के कारण बुरी फंसी नुपुर शर्मा, मिल रही है जान से मारने की धमकी, साथ ही मुंबई में दर्ज हुई उनके खिलाफ FIR, जल्द ही हो सकती है गिरफ्तारी। कुरुक्षेत्र में खट्टर सरकार पर बरसे केजरीवाल, बोले पंजाब से उठा तूफान अब हरियाणा में आने वाला है। अहमदाबाद मोदी स्टेडियम में IPL 2022 का फाइनल आज, गुजरात टाइगर वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच मैच। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ये फाइनल मैच देखने पहुंचेंगे। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN।